Assalamu alaikum everyone. In today's video, we will discuss autobiographical elements in the novel The God of Small Things by Arundhati Roy. आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अरुंधति रॉय किस नॉवेल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स में कौन कौन से ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं और ये नॉवेल कैसे हम इसे एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल कह सकते हैं। हम किसी भी बुक की स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी एज की स्टडी करते हैं जिस एज में वो बुक लिखी गई थी, उसके बाद हम राइटर की स्टडी करते हैं, फिर हम टेक्स्ट की स्टडी करते हैं। राइटर की स्टडी इसलिए नेसेसरी होती है क्योंकि राइटर ने अपने लाइफ से रिलेटेड एलिमेंट्स अपने वर्क में पोर्ट्रे किए होते हैं, इसलिए हमें ऑथर बायोग्राफी पढ़ना बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है। तो जैसे हम लोगों ने अरुंधति रॉय की लाइफ ऑटोबायोग्राफी एंड बायोग्राफी हमने पढ़ी हुई है, तो हम वो एलिमेंट्स देखेंगे जब वो नॉवेल में किस तरह से शेप किए गए हैं, किस तरह से पोर्ट्रे किए गए हैं। तो आज की इस हमारी वीडियो में हम ये देखेंगे और हम देखेंगे कि अम्मू और मैरी रॉय के बीच में कंपैरिजन, ओके, कंपैरिजन बिटवीन अम्मू एंड मैरी रॉय, कैसे जो करेक्टर है अम्मू का इस नॉवेल में और जो मैरी रॉय हैं रियल लाइफ में अरुंधति रॉय की जो मदर हैं, इनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट होगा ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स में। दूसरा हमारा होगा कंपैरिजन बिटवीन अरुंधति रॉय एंड राहेल, और अरुंधति रॉय और राहेल में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। ठीक है, यकसानियत क्या है इन करेक्टर्स में। ये अरुंधति रॉय और मैरी रॉय ये रियल लाइफ करेक्टर्स हैं, अम्मू एंड राहेल ये नॉवेल के करेक्टर हैं। अम्मू मदर है, राहेल बेटी हैं, और यहाँ पर मैरी रॉय मदर हैं एंड अरुंधति रॉय उनकी बेटी हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं कि नॉवेल में हमने देखा है जैसे रॉय इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट सेमी ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट ऑफ हर मदर थ्रू द प्रोटैगनिस्ट ऑफ अम्मू कैरेक्टर। ठीक है, अम्मू के कैरेक्टर के थ्रू रॉय ने अपनी मदर का कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है। इनकी मदर का नाम था मैरी रॉय, तो जो वाक्या मैरी रॉय के साथ पेश आए हैं उनकी लाइफ में वही सब कैरेक्टर अम्मू के साथ हुआ है। ठीक है, अम्मू की जैसी लाइफ थी वैसी ही तकरीबन लाइफ मैरी रॉय की थी। ठीक है, और दूसरा जो एलिमेंट है, सेकेंडली वी कैन सी लाइफ स्टोरी एंड हर एक्सपीरियंस इंट्रोड्यूस थ्रू हर हीरोइन कैरेक्टर राहेल इन द नॉवेल। तो जो अरुंधति रॉय की लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, लाइफ स्टोरी है, वो इसने अपने कैरेक्टर राहेल के थ्रू नॉवेल में पोर्ट्रे की है। तो यह भी हम देखेंगे, इन चीज़ का भी हम कंपेरिजन करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कंपैरिजन बिटवीन अम्मू एंड मैरी रॉय। अम्मू जो हमारे नॉवेल का करेक्टर है और मैरी रॉय जो हमारा रियल लाइफ करेक्टर है। ठीक है, इनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या क्या यकसानियत हमें देखने को मिलती हैं। फर्स्ट हम अम्मू के एलिमेंट्स देखेंगे, फिर हमारे पास होंगे मैरी रॉय के एलिमेंट्स, ओके, करेक्टरिस्टिक्स इनकी। तो अम्मू को हमने नॉवेल में देखा है कि शी इज़ अ केरलाइट साइरन क्रिश्चियन, वेल एजुकेटेड, ब्यूटीफुल एंड फेस्ड ए वूमेन। ठीक है, अम्मू का जो करेक्टर है ये हमने देखा है कि ये सायरन क्रिश्चियन चर्च से बिलोंग करती थी, ये वेल एजुकेटेड थी, ठीक है, ब्यूटीफुल वूमेन थी। ठीक है, और जो मैरी रॉय का करेक्टर है, मैरी रॉय भी एक सायरन क्रिश्चियन थी, बाय रिलीजियस वो सायरन क्रिश्चियन थी। ठीक है, वेल एजुकेटेड थी एंड शी वॉज अ प्रोमिनेंट सोशल एक्टिविस्ट। ठीक है, दूसरी करेक्टरिस्टिक्स हम देख सकते हैं कि अम्मू को हमने नॉवेल में देखा है शी मैरिड अ बंगाली हु इज़ एन एम्प्लॉय इन एसएम स्टेट। जो अम्मू की शादी होती है वो एक बंगाली लड़के से होती है जो कि एसएम स्टेट में एक एम्प्लॉय होता है, वहाँ पर वो काम करता है। ठीक है, इनकी शादी कैसे होती है कि अम्मू जाती है कोलकाता, वहाँ पर शादी एक होती है, वहाँ पर इनकी मुलाकात होती है और बाबा नाम होता है जिनके साथ इनकी शादी होती है। ठीक है, फिर वो अपने झूठों में अपने फ्रेब में अम्मू को फंसा लेता है एंड अम्मू उससे शादी कर लेती है। बाद में अम्मू को पता चलता है कि वो एक लॉयर था, वो तो शराबी है एंड फिर इनकी डाइवोर्स हो जाती है। तो मैरी रॉय के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, मैरी रॉय ने भी एक बंगाली हिंदू से शादी की थी जो कि एक टी प्लांटर था बाय प्रोफेशन। तो ये दूसरी सिमिलैरिटी हो गई। ठीक है, तीसरी सिमिलैरिटी जो हम देख सकते हैं कि अम्मू ने जन्म दिया था दो चिल्ड्रेन को, ओके, और ये जन्म इनका होता है
स्थपन और राहिल, इनका जन्म होता है एक बस में। ओके, ये स्टोरी भी हमें सारी पता है। पहले ये कार में हॉस्पिटल जा रहे होते हैं, लेकिन इनकी कार रास्ते में ख़राब हो जाती है, फिर ये बस में जाते हैं, तो बस में फिर इनका जन्म होता है। और इनके जन्म के फौरन बाद ये अलग हो जाती हैं अपने हस्बैंड से ड्यू टू क्रियोल मेंटेलिटी। ठीक है, और ऐसे कुछ मेरे रॉय के साथ भी हमने देखा। द मैरिज वॉज ऑल्सो अनसक्सेसफुल एंड शॉर्टली शी लेफ्ट हिम। मेरे रॉय की भी जो मैरिज थी, फर्स्ट मैरिज थी, वो अनसक्सेसफुल थी। ठीक है, और वो अपने हस्बैंड को छोड़ देती हैं। फिर हम देख सकते हैं कि अम्मू जब वापस आती है, कम बैक्स टू हर होम, चक्कू हर ब्रदर इनफॉर्म्स हिज पोजीशन एंड स्टेट एट द हाउस एंड प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू हिम ओनली। तो जो इसका भाई होता है चक्कू, वो बताता है कि ये जो प्रॉपर्टी है और ये जो घर है, ये सबका सब मेरा है, तुम्हारा यहाँ पर कुछ नहीं है। ये इन्फॉर्म्स अम्मू, वो अम्मू को बताता है। क्या बताता है? ये अब कोटेशन मार्क्स में लिखे हुए हैं, ये रेफरेंस है। ठीक है, नॉवेल की वो एक्चुअल वर्डिंग है, ये एग्जैक्ट वर्डिंग। व्हाट योर इज माइन। अब चक्कू कहता है अम्मू को, अपनी बहन को, कि जो तुम्हारा है वो मेरा है, एंड व्हाट्स माइन इज ऑल्सो माइन। और जो मेरा है वो तो मेरा ही है। अब इसका मतलब कि जो मेरा है वो मेरा है, लेकिन जो तुम्हारा है यहाँ पर वो भी मेरा है। ओके, मैरी रॉय के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैरी रॉय के साथ क्या हुआ था? इट इज़ एग्जैक्टली रिजेंबल टू रॉयस मदर टू लाइफ। रॉयस मदर मैरी रॉय मैरिज वॉज अनसक्सेसफुल। मैरी रॉय की मैरिज भी अनसक्सेसफुल थी, जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा है। आफ्टर डिवोर्स शी फॉट हर शेयर इन हर फादर्स प्रॉपर्टी। तो डिवोर्स के बाद वो अपने फादर की प्रॉपर्टी में जो उसका शेयर होता है उसके लिए वो फाइट करती है, वो कोर्ट में जाकर चैलेंज करती है इस चीज़ को, क्योंकि इससे राइट नहीं मिलता प्रॉपर्टी में। शी चैलेंज साइरन क्रिश्चियन ट्रेडिशन। तो वो साइरन क्रिश्चियन ट्रेडिशन जो रवाज होता है उनका, उसे चैलेंज कर देती है। उसके मुताबिक लड़की का कोई भी हिस्सा वालिद की प्रॉपर्टी में नहीं होता। तो इस चीज़ को मैरी रॉय चैलेंज करती है, और मैरी रॉय ये कोर्ट जीत भी जाती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन अरुंधति रॉय एंड राहिल। ओके, अरुंधति रॉय शी वाज बोर्न इन एसम, एंड राहिल शी वाज आल्सो बोर्न इन एसम। ओके, तो ये दोनों सेम स्टेट में पैदा हुई। अरुंधति रॉय जहाँ पैदा हुई वहाँ ही इन्होंने अपना करेक्टर, जो राहिल है, जो इनकी हीरोइन करेक्टर है इनके नॉवेल में, उनकी पैदाइश भी उसी जगह पर रखी हुई है। अरुंधति रॉय हैड स्पेंड हर चाइल्डहुड इन एमिनम एंड शी स्टडीड एट कॉर्पस क्रिस्टी स्कूल इन एमिनम केरला। तो इन्होंने अपना जो चाइल्डहुड, जो इनका बचपन था, वो एमिनम में गुजारा, और जो इन्होंने अपनी स्टडी थी, अपनी पढ़ाई थी, वो कॉर्पस क्रिस्टी स्कूल एमिनम केरला से हासिल की। ठीक है, तो राहिल ने भी सिमिलरली इन द नॉवेल हैज हर चाइल्डहुड इन एमिनम केरला। तो राहिल का भी जो चाइल्डहुड हमने देखा है नॉवेल में, वो भी कहाँ है? वो भी केरला में है, एमिनम स्टेट में। ठीक है, रॉय स्टडीड आर्किटेक्चर। रॉय ने आर्किटेक्चर की स्टडी की थी, लेकिन हमने देखा है नॉवेल में कि हर हीरोइन राहिल ऑल्सो स्टडीड आर्किटेक्चर। उनकी जो हीरोइन उन्होंने पोर्ट्रे किया राहिल, उन्होंने भी आर्किटेक्चर ही स्टडी की है। तो ये है ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स, जो ऑथर के साथ हुआ है वही उन्होंने अपने नॉवेल में पोर्ट्रे किया हुआ है। अरुंधति रॉय एट द एज ऑफ 16 शी लेफ्ट हर होम फॉर हायर एजुकेशन, शी वेंट फ्रॉम विलेज टू दिल्ली। तो 16 ईयर्स की जब हुई अरुंधति रॉय, तो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और फिर वो दिल्ली चली गई ताकि वो ज़्यादा आगे पढ़ सकें। सिमिलरली हम नॉवेल में देख सकते हैं, राहिल ऑल्सो हैड गॉन फ्रॉम विलेज ऑफ एमिनम। एमिनम के गाँव से राहिल भी जाती है टू अमेरिका फॉर हायर एजुकेशन, अमेरिका जाती है ताकि वो ज़्यादा पढ़ सके आगे। तो ये लाइफ ऑटोबायोग्राफी आप देख सकते हैं कि किस तरह अरुंधति रॉय ने अपने जो उनके साथ हुआ, उनकी लाइफ में जो हुआ, वही चीज़ें उन्होंने अपने नॉवेल में पोर्ट्रे की हुई हैं, सारी की सारी तो नहीं कह सकते हम, लेकिन तकरीबन। अरुंधति रॉय ने फिर आगे क्या किया है, रॉयस मैरिज एंडेड विद हर फर्स्ट हस्बैंड आर्किटेक्ट गेरार्ड कुन्हा। ओके, तो ये इनके हस्बैंड का नाम था, जो ये भी आर्किटेक्ट थे। तो रॉय की जो फर्स्ट मैरिज थी इन्होंने अपने हस्बैंड के साथ की थी, जो कि आर्किटेक्ट थे, तो ये साथ पढ़ते थे। तो फिर इनकी लव मैरिज थी, तो वो लव मैरिज एंड हो जाती है।
सिमिलरली हमने देखा है कि राहिल्स मैरिज आल्सो एंडेड विद डाइवोर्स विद एन अमेरिकन हस्बैंड लैरी। तो राहिल भी जब वहाँ पढ़ने जाती हैं तो इनको भी वहाँ पर मोहब्बत हो जाती है और फिर ये शादी करती हैं, लेकिन वो शादी भी नाकाम हो जाती है। ठीक है, क्यों नाकाम हो जाती है? क्योंकि राहिल और लैरी के बीच में जो फिज़िकल रिलेशन होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। लैरी ये फील करता है कि शायद राहिल की आंखों में कोई और है, राहिल किसी और को पसंद करती है, तो इसी वजह से ये वो राहिल को डाइवोर्स कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। आफ्टर डाइवोर्स विद हर फर्स्ट हस्बैंड रॉय अंटिल मेट फाइनेंशियल इक्वल शी वर्क वेरियस जॉब्स। तो राहुल जो अरिंदति रॉय थी, इनकी जब डाइवोर्स हो जाती है फर्स्ट हस्बैंड से तो पैसे तो चाहिए ज़िंदगी गुजारने के लिए, तो इस वजह से इन्होंने बहुत ज़्यादा जॉब्स की थी, कभी कोई जॉब तो कभी कोई इंक्लूडिंग, और उन जॉब्स में शामिल थी कौन कौन सी जॉब्स? रनिंग एरोबिक क्लासेस एट फाइव स्टार होटल इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली फाइव स्टार होटल्स में ये क्लासेस लिया करती थी। शी वर्क फॉर टेलीविजन एंड मूवीज़। और हमें पता है कि अरिंदति रॉय ने टेलीविजन के लिए भी काम किया, मूवी में एज एन एक्टर भी काम किया और स्क्रिप्ट भी लिखती रही हैं ये। तो राहिल के साथ भी ऐसा ही होता है नॉवल में। सिमिलरली आफ्टर डाइवोर्स राहिल ऑल्सो वर्क फॉर सेवरल ईयर्स एज अ नाइट क्लर्क इन अ बुलेट प्रूफ कैबिन एट अ गैस स्टेशन। तो राहिल भी नॉवल में, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, वो भी जब उनकी डाइवोर्स हो जाती है फर्स्ट हस्बैंड से तो वो भी क्या करती हैं, कभी नाइट क्लर्क की जॉब करती हैं गैस स्टेशन पर, तो कभी कोई जॉब करती हैं वो। ठीक है, तो ये थे लाइफ ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स। एंड हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में और भी क्रिटिकल एनालिसिस की वीडियोज़ लाएंगे, ठीक है, जो कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है। एंड कंप्लीट समरीज जो चैप्टर वाइज है वो भी हम अपलोड करेंगे। सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू, काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद रेस्ट ऑफ योर कोलीग्स। थैंक यू।